नमस्कार दोस्तों, एकलव्य कॉमर्स सॉल्यूशन के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम अकाउंटिंग से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट और अपकमिंग वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया पेज को फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ और आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग, लेखांकन क्या है, अकाउंटिंग क्या है। तो दोस्तों, अकाउंटिंग के बारे में जानने से पहले हम इसका पहले इतिहास देखते हैं। थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बात करते हैं इतिहास पे। तो बेसिकली अकाउंटिंग जो डिपेंड करता है वो नंबर सिस्टम पे, गणना करना। अकाउंटिंग क्या है? एक तरह का गणना करना, ठीक है। और गणना का कार्य सबसे पहले प्रारंभ हुआ था वो मिस्र से हुआ था। मिस्र, जिसे आज आप इजिप्ट के नाम से जानते हैं, और इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाकर या अच्छे तरीके से अकाउंटिंग करने का जो तरीका दिया, बेसिकली जो तरीका हम लोगों को दिया, उनका नाम था, जिसे हम लोग फादर ऑफ अकाउंटिंग, फादर ऑफ बुककीपिंग कहते हैं, उनका नाम था फ्रा लुका बार्टोलोमियो डी पैसियोली, जो जिनका जन्म 1447 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1517 ईस्वी में हुई थी। ऐसे तो इनके जन्म के बारे में कोई खास डेट ज्ञात नहीं है लोगों को, लेकिन ये माना गया है कि इनका जन्म 1447 में हुआ था। इनको लुका पैसियोली भी कहा जाता है या फ्रायर लुका भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने ही हमें बताया था या इन्होंने ही प्रतिपादित किया था कि अकाउंटिंग करते कैसे हैं, और इन्होंने ही बुक कीपिंग को पहली बार डबल एंट्री सिस्टम में बदलने का तरीका बताया था। इनका ही देन है जो आज हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, ये डबल एंट्री सिस्टम के तहत करते हैं, और इन्होंने ही उस डबल एंट्री सिस्टम का प्रतिपादन किया था या इजाद किया था या जन्म दिया था, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं, इतिहास हो चुका है, अब हम लोग आते हैं अकाउंटिंग क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें जानना यह जरूरी है कि अकाउंटिंग करते किसके लिए है, ठीक है। तो जैसे सपोज मान लीजिए कि एक व्यक्ति है मिस्टर ए, एक व्यक्ति है मिस्टर ए, ए का एक बिजनेस है, इसका नाम आप कुछ भी ले लीजिए, ए कंपनी, बी कंपनी, जो भी नाम रखा हो अपने कंपनी का, वो कंपनी है। अब वो आपसे, आपका नाम, सपोज आप मान लीजिए कि आपका नाम है मिस्टर बी, आपसे वो कहता है, ए आपसे कहता है कि हमारे कंपनी के लिए अकाउंटिंग कीजिए, ठीक है। तो आप बोलते हैं ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूं। तो ए बोलता है, हम इसके लिए आपको 10,000 रुपए देंगे। ये अमाउंट हम लोग इसलिए ले रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो, कोई क्यों करेगा दूसरे के लिए काम, ठीक है। तो काम अगर कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? सैलरी के लिए कर रहा है, ठीक है। बी बोलता है, हम अकाउंटिंग करने के लिए तैयार हैं। अब ये देखना हमको है कि बी ए के लिए काम करेगा कि ए कंपनी के लिए काम करेगा, या ए के द्वारा बनाया गया कंपनी जो बिजनेस है उस बिजनेस के लिए करेगा, ठीक है। तो दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखिएगा, अकाउंटेंट जो होता है, यानी आप जो है ए के लिए अकाउंटिंग नहीं करोगे, आप किसके लिए करोगे? तो ए के द्वारा स्थापित बिजनेस, ए कंपनी के लिए आप अकाउंटिंग करोगे, ठीक है। तो इससे ये सबसे पहले फिर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप ए के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो तो ये गलत है, आप ए के बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो तभी आप सही अकाउंटिंग कर पाओगे। इसका मतलब साफ होता है कि अकाउंटिंग जो होता है बिजनेस के लिए होता है, ना कि बिजनेस के मालिक के लिए होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कि अकाउंटिंग में करते क्या है। तो अकाउंटिंग क्या होता है कि जैसे ये बिजनेस है, इसके साथ प्रतिदिन बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते होंगे, लेन देन होते होंगे, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को डे टू डे जो ट्रांजैक्शन होता है, डे टू डे जो ट्रांजैक्शंस होता है, उसी को व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड रखना, एक नियम से रिकॉर्ड रखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। फिर से बात कर रहे हैं, ए के ट्रांजैक्शन के लिए नहीं,
एक व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए जो ट्रांजैक्शन होता है, प्रतिदिन जो लेन देन होगा, उसी को एक व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड रखना ही अकाउंटिंग कहलाता है दोस्तों। तो हम लोग आगे बात करते हैं कि अकाउंटिंग के लिए ट्रांजैक्शन का होना बहुत जरूरी है। बिना ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन पे ही डिपेंड करता है आपका अकाउंटिंग, ठीक है। अब आपको जब भी अकाउंटिंग करना होगा तो सबसे पहले आपको ये समझना है, ये बिजनेस आप हो, ये बिजनेस आप हो, तभी आपको अब ये सोचना है कि मेरे साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, तभी उसको आप अकाउंटिंग में चेंज करोगे तो सही तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग ट्रांजैक्शंस के बारे में, ठीक है। ट्रांजैक्शंस होता क्या है, लेन देन होता क्या है, लेन देन होता क्या है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक पक्षों के बीच जो किसी वस्तु या किसी भी थिंग्स का आदान प्रदान होता है, उसे हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। लेन देन होता है, ट्रांजैक्शंस उसी को हम लोग ट्रांजैक्शंस कहते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि अब मिस्टर ए का ये बिजनेस है, अब मिस्टर ए मिस्टर सी से 10,000 रुपया मांगता है, लेकिन सी अभी उसे देता नहीं है, ठीक है। मिस्टर ए मिस्टर सी से 10,000 रुपए मांगता है, लेकिन सी मिस्टर ए को अभी पैसा देता नहीं है, तो क्या ये मांगता है, ये लेन देन है? नहीं, ये लेन देन नहीं है। लेन देन तभी पूरा माना जाएगा जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ मांगे, या कोई साइड, व्यक्ति पे नहीं जाना है, साइड्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम लोग चूंकि यहाँ पर व्यक्ति के नाम से इंडिकेशन कर रहे हैं तो हम लोग व्यक्ति पे चले जाते हैं। अगर ए सी से कुछ मांगता है और सी ए को वो दे दे, तब ये ट्रांजैक्शन है, किसी एक पक्ष के द्वारा किया गया कार्य ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि जब ए सी से पैसा मांगता है और सी ए को पैसा दे देता है तब तो ट्रांजैक्शन है, लेकिन अगर वो नहीं देता है तो वो ट्रांजैक्शन नहीं होता है। ये कह सकते हैं दूसरे तरीके से मान लेते हैं कि जैसे ए का कंपनी है, सी कंपनी से खरीदार है, इस कंपनी का खरीदार है, मतलब ए का खरीदार है। अब सी ए को बोलता है कि मेरे दुकान पर आप 10,000 रुपए का सामान भेज देना, ठीक है। सी ए को कहता है कि मेरे दुकान पर आप 10,000 रुपए का सामान भेज देना, ठीक है। इट मीन्स ये ए को ऑर्डर दे रहा है, क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो क्या ये ट्रांजैक्शन है, क्योंकि सी ने बोला है 10,000 का सामान आप मुझे भेज देना, मेरे दुकान पे भेज देना, क्या ये ट्रांजैक्शन है? नहीं है, क्योंकि ए ने अभी सामान भेजा नहीं है, अभी सी ने सिर्फ ऑर्डर दिया है, और 10,000 रुपए का सामान भेजने का ऑर्डर दिया। ऐसा भी नहीं है कि सी ने 10,000 रुपए ए को दे दिया है, ठीक है। तो ऑर्डर देना और उसे पूरा करना दो अलग अलग बातें होती है। तो ऑर्डर दिया जाए और उसे पूरा किया जाए तब तो ट्रांजैक्शन है, लेकिन सिर्फ ऑर्डर दिया गया तो वो ट्रांजैक्शन नहीं है। तो और जब तक ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होगा, हम उस ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग नहीं कर सकते। और पहले भी हम लोग बात किए दोस्तों कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का होता है, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का होता है। तो ट्रांजैक्शन अगर पूरा होगा तभी उसका हम लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं, और ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होगा तो उसका हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते। ये पहला रूल ट्रांजैक्शन को देखने के लिए। अब किस तरह के ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग में शामिल करते हैं, या इसका किस तरह का अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस जो शामिल होते हैं वो किस तरह का ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वही ट्रांजैक्शन को हम लोग अकाउंटिंग में शामिल करते हैं या उसका अकाउंटिंग करते हैं जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का हो। फाइनेंशियल नेचर का हो मतलब वित्तीय प्रवृत्ति का हो, ठीक है, वही ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग होता है जो फाइनेंशियल नेचर का हो, वित्तीय प्रवृत्ति का हो। वित्तीय प्रवृत्ति कहने का मतलब होता है जिसका हम लोग वैल्यू कैश में, मतलब समझते ही हैं, कैश में जिसका वैल्यू हम लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर से एक बार बात करते हैं, उसी ट्रांजैक्शंस को हम लोग अकाउंटिंग में शामिल करते हैं या उसी ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग होता है जो फाइनेंशियल नेचर का हो,
मतलब जिसका वैल्यू मुद्रा में लगाया जा सके, ठीक है, करेंसी में जिसको हम लोग नाप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि फाइनेंशियल नेचर मतलब क्या हुआ। जैसे एक ही कार्य, कुछ वर्क ले लेते हैं ऐसा फॉर एग्जाम्पल जिसमें एक ही कार्य हो रहा है लेकिन एक का वैल्यू है एक का वैल्यू नहीं है। मान लेते हैं जैसे कि हम लोग ए के लिए बात कर रहे थे तो ए के बिजनेस पर ही आते हैं। अब सोच लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आप ए सी को कुछ सामान, जो सामान ऑर्डर दिया था, मान लीजिए वो ऑर्डर पूरा हो गया, ए सी को सामान भेज रहा है, ए सी को सामान भेज रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि वो रिक्शा से सामान जाता है सी के पास, किसके पास, सी के पास। तो जो रिक्शा वाला ए का सामान सी के पास लेके जा रहा होगा, या तो ए उसे भाड़ा देगा या सी उसे भाड़ा देगा। भाड़ा, भाड़ा मतलब समझ ही रहे होंगे, कैरेज, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि ए इस सामान को पहुंचाने के लिए रिक्शे वाले को भाड़ा देता है। अब रिक्शे वाले को हम ये मान लें कि ए 100 रुपया दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेहनत कर रहा है यहां से लेके वहां तक जा रहा है, क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बाकी और कुछ नहीं कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा, उस मेहनत के बदले में वो ए से पैसा ले रहा है, ठीक है। अब यही रिक्शा किसी कारणवश आगे चल के गड्ढे में फंस जाता है, आगे चल के गड्ढे में फंस जाता है। अब इस गड्ढे में फंस गया वो रिक्शा वाला, बहुत मेहनत करने के बाद भी वो गड्ढे से उसको निकाल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो अब वहां पे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति या कुछ लोग वहां पे पहुंचते हैं उस रिक्शे वाले की मदद करने के लिए, और मदद करके उस रिक्शे को गड्ढे से बाहर निकाल देते हैं, उस रिक्शे को गड्ढे से बाहर निकाल देते हैं। तो वो जो मेहनत करने के लिए पैसे ले रहा था रिक्शा वाला, वैसा ही मेहनत जो उसका हेल्प करने के लिए वहां पे कुछ लोग जो पहुंचे थे वो भी उस रिक्शे को धक्का देकर जो निकाले गड्ढे से, उन्होंने भी कुछ मेहनत किया। क्या उसका कुछ वैल्यू लगा? नहीं सर, उसका कोई वैल्यू नहीं लगा। वो मदद करने के लिए गए थे जिसका आप लोग कोई वैल्यू, काम एक ही है, वो भी रिक्शा को धक्का दे रहा, ये भी रिक्शे को धक्का दे रहा, लेकिन वो रिक्शा वाला अपना ये रिक्शा खींचने का एक वैल्यू रखा है, वो क्या है, 100 रुपया, जिसे हम क्या बोलेंगे, भाड़ा या कैरेज, कैरेज। लेकिन ये जो व्यक्ति, जो 4-5 लोग मिलकर उस रिक्शे को गड्ढे से निकालते हैं, वो भी उनका हेल्प कर रहे थे, उन्होंने इसके बदले में कुछ नहीं लिया। तो दोनों का मेहनत का जो वैल्यू था, एक के मेहनत का वैल्यू था, एक के मेहनत का वैल्यू नहीं था। तो जिस मेहनत का वैल्यू नहीं था उसका हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते, और जिस मेहनत का वैल्यू था उसका हम अकाउंटिंग करते हैं। इसलिए हमने कहा सर कि जो फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन होगा, लेन देन होगा, उसी का अकाउंटिंग होगा, यानी जिसका वैल्यू मुद्रा में लगाया जाए, कैश में जिसका कुछ वैल्यू हो, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांजेक्शन क्या है, ठीक है दोस्तों। अब ट्रांजेक्शन क्या है, बेसिकली हम लोग अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, अगर अकाउंटिंग क्या है तो अकाउंटिंग में पढ़ने के लिए क्या होता है, ठीक है। तो एक अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा होने के लिए मोस्टली, वैसे तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारा काम करना पड़ता है अकाउंटिंग के लिए, बहुत से वर्क है इसमें, बहुत से कैलकुलेशंस हैं, लेकिन मोस्टली जो हम लोग काम करते हैं अकाउंटिंग में वो कुछ इस तरह से करते हैं। जहां पे अकाउंटिंग पूरा होता है उसके लिए सबसे पहला कार्य क्या होता है, जर्नल, जर्नल। अब अगर एंट्री कर रहे हैं तो एंट्री, फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो है लेजर, लेजर। फिर तीसरा जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो है ट्रायल बैलेंस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट
फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो पार्ट्स में बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बैलेंस शीट। दोस्तों इतना सारा काम जो भी हम लोगों ने देखा वो सिर्फ इसके लिए किया जाता है, बैलेंस शीट के लिए। ये जितना भी प्रोसेस हम देख रहे हैं इन प्रोसेस को पूरा करने के लिए और भी बहुत सारे वर्क किए जाते हैं, लेकिन मोस्टली अकाउंटिंग को पूरा होने के लिए जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही प्रोसेस है अकाउंटिंग का। ठीक है दोस्तों, अब ये जो बैलेंस शीट है इसके लिए ही हम ये सारा कुछ करते हैं। ठीक है, हम लोग अगले क्लास में या आने वाले क्लासों में हम लोग ये सब देखेंगे कि जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता है अकाउंटिंग, कैसे किया जाता है अकाउंटिंग, किसके लिए किया जाता है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में करते क्या है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें और लाइक करना ना भूलें, और अगर समझ में या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो आपको हमारे वीडियो से तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।